ये है दिल्ली दर्पण। बुनकर में इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हरिकिशन जिंदल जी मौजूद हैं, मीटिंग करी है इन्होंने, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या सहयोग मिल रहा है, कैसा सहयोग जो है वो लोगों को मिल रहा है। आप लगातार जो है डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। सर लोग बिल्कुल कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर समस्याओं को लेकर के, पानी की समस्या हो चाहे सड़कों की समस्या हो चाहे गंदगी हो, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, ना विधायक काम कर रहा ना काउंसलर काम कर रहा है, और लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में जिस तरह से काम हुए हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली का, हर आदमी चाह रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दें। एक बात आपने कही कि आप चार वार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसा प्लान है, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करें। प्लान नहीं है वो, हम ये सोच रहे हैं कि जो लोग हैं वो हम उसको वहीं पर जाकर उनका समाधान करें, मोहल्ले वाइज जो भी है हम वहाँ पर बैठे हैं, हमारे हर जगह वर्कर हैं, हमारे बूथ वाइज वर्कर हैं, हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनके वहाँ जाकर के बैठेंगे और वहीं पर लोगों की समस्याएं का समाधान करेंगे। छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा, बुनकर में आप मौजूद हैं, बुनकर में क्या समस्याएं लगती है, इन पर काम कर? सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। मैं आज जहाँ मीटिंग कर रहा हूँ वहाँ तीन गलियों में पानी नहीं आ रहा, पिछले चार साल से केजरीवाल साहब कह रहे हैं पानी फ्री दे रहे हैं, तो आ ही नहीं रहा पानी, और आ रहा तो गंदा पानी आ रहा है, बाकी के अंदर भी जो गंदा पानी आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो पानी की लाइन है उसको हम सुचारू रूप से करें, लोगों को कम से कम पानी तो हम पिला सकें। ठीक है, तो ये हरिकिशन जिंदल जी थे, हरिशंकर गुप्ता जी से एक सवाल लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, इतने लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और सारी की सारी जो जनता है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, तो क्या नज़ारा लग रहा है, क्या आने वाले सब बहुमत लग रही है? वजीरपुर विधानसभा में हरिकिशन जिंदल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब प्रत्याशित नतीजा निकलेगा। 2008 में जब मैं चुनने यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, उस समय लोग यही बात करते थे कि साहब ये आदमी जो है नहीं जीत पाएगा। 2008 में जनता ने जिताया, हमारी बात पर जिताया, जो काम कांग्रेस ने किए उन पर जिताया, और लोगों ने समझा कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, काम का तजुर्बा है, जुझारू हैं, काम करने वाले। आज हरिकिशन जिंदल जी की एक लहर पूरे विधानसभा में चल रही है, चाहे वो मध्य वर्ग का आदमी हो, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे वो कोठी में रहने वाला आदमी, वो समझ रहा है कि दिल्ली और देश को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। राजेश गुप्ता और महेंद्र नागपाल को छोड़कर हरिकिशन जिंदल क्यों? राजेश गुप्ता तो 5 साल विधायक यहाँ रहे ना, लोगों ने देखा ना। आज मैं समझता हूँ कि जो व्यक्तिगत विरोध राजेश गुप्ता का इस विधानसभा के अंदर है, किसी का नहीं हो सकता। और महेंद्र नागपाल जी, बीजेपी को लोग वोट देना नहीं चाहते। आज हर आदमी अपने काम धंधे से परेशान है, पेट के लाले पड़े हुए, रोटियों के लाले पड़े हुए हैं उन लोगों को। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, विशेष रूप से हमारा युवा, हमारा जो स्टूडेंट है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। जनेश बड़ाना जी भी यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने इस मीटिंग का आयोजन करवाया बुनकर में। जनेश जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है और कैसा जो पक्ष जो है वो यहाँ पर नजर आने वाला है? आने वाली बात नहीं, आपके सामने सारा सच है। कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, आपको पता होगा झूठों की सरकार है, चाचा भतीजे एक ऊपर एक नीचे झूठ बोल करके सत्ता में आए थे। आपने सुना भी होगा, एक कहता था 15 लाख रुपए दूंगा, एक 1 करोड़ नौकरी दूंगा, दूसरा कहता था ना नौकरी में ना तो बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा, और सब चीज़ ली उन्होंने, अपने बच्चों की कसम खा करके उन्होंने अपना वो सत्ता हासिल की। मैं आज पूछना चाहता हूँ यहाँ से राजेश गुप्ता जी, मैं ज़्यादा बड़ी इस विधानसभा की बात करना चाहता हूँ, राजेश गुप्ता जी ने कौन सा ऐसा बढ़िया काम किया क्षेत्र के लिए, कौन सी ऐसी उन्होंने हमारी बुनकर कॉलोनी के, भारत नगर के लिए, जय जय कॉलोनी के इंडस्ट्री, कौन सा ऐसा कार्य, पेंशन तक तो वो दे नहीं पाए, पानी और बिजली की वो बात करते हैं। कहना चाहता हूं इस राजेश गुप्ता की, यहां पर जितने भी लोग हैं शायद ही किसी ने शक्ल देखी, 5 साल में उसकी शक्ल नहीं देखी होगी किसी ने। घर में कितना समर्थन मिलेगा हरिकिशन जिंदल जी को? 99% से समर्थन मिलेगा, कांग्रेस पार्टी यहां से विजय होकर जाएगी। तो ये जिंदल जी तो यहाँ पे हमारे साथ यामिन खान साहब भी मौजूद हैं, यही बुनकर के निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब हरिकिशन जिंदल जी के बारे में? मैं जिंदल जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से ही गरीबों की पार्टी रही है, और जो भी हमारे इस विधानसभा के लोग हैं, वजीरपुर जय जय कॉलोनी है, बुनकर कॉलोनी है, ये सारी कॉलोनियाँ कांग्रेस की देन है, और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी है जो गरीबों को साथ लेके चलती है। और मेरा सब लोगों से गुजारिश है कि वो कांग्रेस को वोट दें। जी हाँ, तो ये खान साहब हैं, ये सब बुनकर निवासी, और साथ में हरिकिशन जिंदल जी से हमने बात करी और जाना कि आखिर किस तरह का मत जो है वो इस बार कांग्रेस को मिलने वाला है। सभी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार विजयी होगी। फिलहाल देखना ये होगा कि 8 तारीख को किसके सर पर ये ताज सस्ता है। बने रहिएगा हमारे साथ, कैमरामैन लोकेश के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली दर्पण TV।